नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिजल और आप देख रहे हैं क्रिस जियाक्स। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे ऐसे ही वीडियो बनाना पड़ रहा है और मेरा नया सेटअप भी बन रहा है, इसलिए चीज़ें इधर उधर होकर पड़ा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप। दोस्तों हमारे इस दुनिया में जितने भी सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोग एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। रिसेंटली एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने एक रिपोर्ट दिया है कि उन्होंने एक ऐसा वायरस को पकड़ा है जो कि ना आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इफेक्ट करता है, और वो क्या करता है कि आपके जितने भी सारे फाइल्स हैं, फोटोज़, वीडियोज़, जितने भी सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें पासवर्ड डाल देता है और वहाँ पर एक मैसेज शो करता है कि आपको अगर पासवर्ड चाहिए तो एक अकाउंट बोला जाता है कि उस अकाउंट में आपको पैसा डालना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका पासवर्ड मिलेगा और आपको अपना फाइल वापस मिलेगा। तो अगर आपका डेटा इतना इम्पोर्टेंट है तो लोग क्या करते हैं कि तब पैसे दे भी देते हैं। ये अटैक जो है इसे रैंसमवेयर कहा जाता है। ये अटैक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हुआ था और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने इसका एक पैच जारी कर दिया था जिसके वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, लेकिन एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ये जो प्रॉब्लम है, ये जो वायरस है वो अभी दिख रहा है, ये रैंसमवेयर अटैक हो रहा है, लेकिन iOS में नहीं हो रहा है। iOS जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड वालों के लिए ये प्रॉब्लम है। आज के ज़माने में हम लोग जो है अपने जितने भी सारे फाइल्स हैं, मतलब पर्सनल फाइल्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे फाइल्स हैं वो हम अपना फ़ोन में स्टोर करके रखते हैं, और फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिल रहा है आजकल नए वाले फ़ोन्स में, और इसलिए हम क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि उसे बैकअप करके कंप्यूटर में रखे, ऐसे नहीं सोचते, अपना फ़ोन में यूज़ करते हैं। और फ़ोन में तो हमारा बायोमेट्रिक लॉक लगा है, इसलिए बहुत सारी सिक्योरिटी आता है, और ऊपर से तो इसे गूगल ने बनाया है, एंड्रॉयड को गूगल अभी मेंटेन कर रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा ऐसे हम लोग सोचते हैं, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कि ऐसा अटैक हो रहा है, रैंसमवेयर जैसा अटैक, और ये आपका फाइल को एनक्रिप्ट करके पासवर्ड डाल दे रहे हैं और आपको इसका पासवर्ड ही नहीं पता। इसके लिए आपको हैकर के पास पासवर्ड मांगना पड़ेगा, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा उसे उस पासवर्ड का कीमत, तब जाके आपको उस फाइल्स मिलेंगे आपको। अगर आपके फाइल्स इंपॉर्टेंट है तो आप कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं उनसे पासवर्ड पैसे दे के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए अभी कोई पैच यानी इसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, ये अभी बन रहा है, मतलब अंडर प्रोसेस में है, इसका सोल्यूशन अभी रेडी हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी कोई एंड्रॉयड का अपडेट आने वाला है और उसमें ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, और उस अपडेट को आपको ज़रूर इंस्टॉल करना होगा। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि शायद मान लीजिए कोई आपको कोई लिंक सेंड कर रहा है कि ये यहाँ पे एक ऐप है, इस लिंक पे जाके तो आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, 50 रुपये 20 रुपये ऐसे मिलते हैं ना आजकल, तो आप उस लालच में जाके उस लिंक से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, और हो सकता है कि उस ऐप में आपको वो रैंसमवेयर वाला वायरस मिल जाए और वो आपका फ़ोन को जो है एन्क्रिप्ट कर दे। तो ऐसा नहीं करना है। और क्या करना है आपको कि प्ले स्टोर के बाहर से किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। प्ले स्टोर में भी कुछ ऐप्स है जो सही नहीं है, लेकिन इतना बड़ा थ्रेट प्ले स्टोर में नहीं है, तो आप लोग जो है प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड किया कीजिए, बाहर का सोर्स से कोई कुछ भी नहीं डाउनलोड कीजिए, और अननोन लिंक्स पे तो नहीं क्लिक कीजिए, तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि कौन सा लिंक सही है कौन सा लिंक गलत है, वो देख के उनको पता चल जाता है, और जिन लोगों को पता नहीं तो वो लोग, आप यही मान लीजिए कि आपको किसी भी लिंक में क्लिक नहीं करना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी सारे लोग रहते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों, ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ सवाल है या फिर सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए प्लीज़ देखते रहिए क्रेजी आर्क्स।